हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ और मोटो ब्लॉगिंग के साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, हाँ, तो एक दो दिन का गैप हो सकता है भाई। अब डेली ब्लॉग करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी कामें होती है। वैसे अगर कहा जाए तो अगर सिर्फ यूट्यूब में लग जाए, मतलब कि सब चीज़ छोड़ के सिर्फ यूट्यूब में लग जाए, तो हाँ डेली एक ब्लॉग आने का पॉसिबल जो है वो चांस जो है वो है। बट आप लोग क्या चाहते हैं कि हम सब चीज़ छोड़ के यूट्यूब में लग जाएं? अगर ऐसा चाहते हैं आप लोग तो कमेंट कर दीजिए, हम लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा आप चाहते हैं तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि यूट्यूब छोड़ के हम सॉरी पढ़ाई लिखाई छोड़ के हर काम छोड़ के यूट्यूब में लग जाएं, तो बोलिए लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, घर का भी काम होता है और भी कॉलेज का काम, असाइनमेंट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ और भी बहुत सारा जो है वो काम होता है। तो इस कारण जो वीडियो जो है वो थोड़ा लेट आता है, ज़्यादा लेट नहीं आता है, एक दो दिन का लेट चलता है, तो उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा आने वाला, देखिए पंडाल की तैयारी भी चल रही है। यहाँ पे एक पंडाल हो गया मीठापुर बस स्टैंड, आर्यभट्ट नॉलेज के पास, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU, और एक पंडाल ठीक आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट के बगल में, मतलब दो पंडाल AKU के पास आपको मीठापुर बस स्टैंड में जो है वो मिल जाएगा। और पिछला अपडेट यहाँ का दिए थे, ये वाले फ्लाईओवर का अपडेट दिए थे कि करबिगैया में जो है काम जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो केस कर दिए हैं दोबारा से कि भाई फ्लाईओवर नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत दिन, एक तो बहुत दिन के बाद जो है वो केस जीता गया था, और ऊपर से एक बार फिर से जो है वो केस जो है वो लगा दिया गया है। तो आज का अपडेट रहेगा, शांतनु भैया एक बार फिर से अपडेट मांग रहे हैं, मतलब जो लोग मांगते हैं मैं उनका डिमांड जो है वो पूरा करता हूँ। तो आज का अपडेट एक बार फिर से शांतनु भैया के लिए, अनीता सिन्हा लेन, डॉक्टर अनीता सिन्हा लेन, मतलब कि जो डॉक्टर अनीता सिन्हा है मीठापुर में, उनका जो घर वर तोड़ा गया था, उनका जो हॉस्पिटल वगैरह तोड़ा गया था, वो वाला जो रोड बनने को है वो उसका अपडेट आज देना है। तो आज उसी का अपडेट देने के लिए चल रहे हैं और देखेंगे कि उतना उधर में मतलब कि कितना काम हुआ है। उसको ज्वाइंट करना है वो ROB से, तो ROB से तो ज्वाइंट हो रखा है, बस बच गया था अनीता सिन्हा का जो घर है वो तोड़ा गया, उसके बाद और भी सारे जो 50-60 घर थी उसको तोड़ दिया गया। ये सब तोड़ने का काम 8-9 महीना पहले हुआ था, और 8-9 महीना में कितना काम हुआ है आप लोग को आज दिखाएंगे। वैसे रेगुलर मैं अपडेट वहाँ का देते आ रहा हूँ 8-9 महीना से, हाँ भले ही एक महीना या फिर डेढ़ महीना में अपडेट, एक अपडेट देता हूँ, तो वहाँ का भी अपडेट अभी आपको देने जा रहा हूँ शांतनु भैया के डिमांड पे। और अगर शांतनु भैया वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और दुर्गा पूजा का भी वीडियो जो है वो जल्द आने वाला है, दुर्गा पूजा पंडाल का वीडियो कि कहाँ पे कौन सा पंडाल का प्रिपरेशन जो है वो चल रहा है। जैसे कि, और आप लोग से एक सवाल है भाई साहब, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अतुल पटेल ब्लॉग्स मारिए इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएगा मेरा ब्लॉगिंग। तो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था कि पटना का टॉप पंडाल जो है वो कौन सा होने वाला है 2022 में, तो ऑलमोस्ट 70% लोग जो है उन्होंने कहा कि इतवारपुर पटना सिपारा का पंडाल जो है वो इस बार भी टॉप करेगा, जो कि 2021 में टॉप किया था, और इस बार भी इतवारपुर का पंडाल ही टॉप करेगा, ऐसा कहना है हमारे मित्रों का, हमारे फॉलोअर्स का, हमारे भाई लोग का। तो उसका भी अपडेट देंगे, इस अपडेट के बाद रहेगा इतवारपुर सिपारा पंडाल का वीडियो कि कितना ऊंचा पंडाल जो बनने वाला है, कितना दिन में बनने वाला है, कहां का थीम रहेगा पंडाल पे, उसके ऊपर। फिलहाल आ गए गुमटी के पास और यहां ट्रेन जा रही है तो गुमटी लगा हुआ है, तो यहां पे अब हम वेट करेंगे ट्रेन को जाने का। देखिए गुमटी लग गया और जाम लग जाता है। एक्चुअली ये वाला फ्लाईओवर तो बन गया है, बट इस पर लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत घूम के जाना पड़ता है, इसलिए ये वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं जो उधर गया हुआ है उस साइड, अनीता सिन्हा के साइड गया हुआ है, तो उस पर डायरेक्ट चढ़ सकते हैं क्योंकि गुमटी से ज़्यादा दूर का दूरी नहीं है उसका। लेकिन जो नया वाला फ्लाईओवर बना है इसका दूरी बहुत दूर है, मतलब जाना पड़ता है गौड़िया मठ के साइड, तब आप इस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे। तो इसी का आज हम अपडेट देने आए हैं कि जो अनीता सिन्हा वाला फ्लाईओवर है वो कब तक बनेगा, तो वीडियो बने रहिए भाई साहब। 10 मिनट से यहाँ पर खड़े हैं और ये मालगाड़ी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, यहाँ जाम नहीं हटने वाला है, मतलब यहाँ रेलवे घूमती है ना, तो
बारी बारी से ट्रेन आता है, तो इस कारण हम इतना देर यहाँ पर रुके। चलिए फ्लाई ओवर के ऊपर से लेके चलते हैं आपको। ये वाला ऊपर वाला फ्लाई ओवर है, इसके ऊपर से जो नया वाला फ्लाई ओवर बना है उसके ऊपर से आपको लेके चलते हैं और अपडेट दिखाते हैं कि कितना काम हुआ है। तो देख रहे हैं क्या है, तो गाड़ी में देख रहे हैं क्या है, तो वाइट वाइट रखा हुआ है, तो पनीर है भाई साहब। ऐसा पनीर तो भाई हम कभी ना खाए। तो यही वाला फ्लाई ओवर से जाने का बात कर रहे थे, क्योंकि नीचे में घुमटी लगा हुआ था और ट्रेन कब आएगा और ट्रेन कब जाएगा और घुमटी कब खुलेगा ये तो हमको भी नहीं पता। और विंड आ रहा होगा क्योंकि हवा चल रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। लेकिन आए हैं इधर से, तो अब नया वाला फ्लाई ओवर के जरिए चलते हैं, अपडेट देते हैं आपको कितना काम हुआ दिखाते हैं। डॉक्टर अनीता सिन्हा लेन का काम आपको आज हम दिखाएंगे। यही वाला रोड जो है वो जाएगा डॉक्टर अनीता सिन्हा लेन में और ये इधर मिठापुर चल जाएगा। और ये जो बन रहा है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंदर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मशीन वशीन रखा हुआ है, कहीं कुछ गिर उड़ गया तो फिर मेरे पे ही इल्ज़ाम लगेगा। अब मेरे ऊपर ही गिर गया तो फिर आपको अपडेट मिलना भी बंद हो जाएगा भाई साहब। तो यही वाला नया वाला फ्लाईओवर बना है और ये जो आप दोनों तरफ ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, ये नॉइज है, नॉइज वाला है, विंड नॉइज का है। मतलब इससे जो नॉइज है वो बाहर नहीं जाती और बाहर जो मतलब कि देखिए क्या है, आबादी है, घर है, इस कारण इसको विंड कटर को लगाया गया है। मतलब आवाज़ को थोड़ा ये रिड्यूस करता है। और ये वाला जो फ्लाईओवर अभी है, ये नया वाला फ्लाईओवर बना है और ये उतरता है मिठापुर सब्जी मंडी के थोड़ा सा आगे, गौड़िया मठ से थोड़ा सा पीछे। तो ये देखिए यहाँ पे जो उतर गया, और इधर कोई क्षीर सागर एक मिठाई का दुकान है, काफ़ी फेमस है, बट अब उसका शायद उतना नहीं चलता है क्योंकि जगह भी अब हो गया कंजस्टेड और रोड भी वैसे ही हो गया। तो यहाँ से लेंगे यू टर्न और यू टर्न के बाद घुसाएंगे गली में। इस गली में, और ये गली हमको सीधा लेके चला जाएगा अनीता सिन्हा जो हॉस्पिटल है उस साइड। तो चलिए आपको वहाँ चल के दिखाते हैं। गाइज आ गए हैं, देखिए सामने ट्रेन भी जा रहा है, उसी ट्रेन के वजह से हम वहाँ पे जो है रुके हुए थे और फिलहाल आ गए हैं अनीता सिन्हा के पास। और यहाँ पे देखिए कि ये सब स्लैब जो है वो रखा हुआ है, जो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जो है वो रखाता है, यही वाला जो स्लैब है। और लोग पूछते हैं कि स्लैब जो है वो टंगाता कैसे है, तो ये देखिए जो आपको होल दिख रहा है, इस होल में तार दिख रहा है, ये जो तीन होल दिख रहा है, चार होल, इस तार के जरिए जो है वो स्लैब को टांग दिया जाता है और इसके बाद इस पीलर पे रख दिया जाता है। वो अनीता सिन्हा का हॉस्पिटल है जो टूटा हुआ है और ये देखिए पूरा स्लैब वाला पूरा रखा हुआ है। काम शायद यहाँ भी बंद है, अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या कुछ कंडीशन है। तो ये गाइस देखिए पूरा घर जो उधर टूटा था वो पीछे हॉस्पिटल है, आगे अनीता सिन्हा का घर था। और देखिए इधर भी काम जो है वो आपको बता दें कि शायद बंद है। देखिए इधर पिलर नहीं रहेगा, इधर बस बालू फिल करके जो है वो ढुलकाव बना दिया जाएगा, बस दो तीन पिलर ही बनाया जाएगा, बाकी जो है वो ढुलकाव बना दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा ये फ्लाई ओवर जो है वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे फ्लाई ओवर जो है बना हुआ है घुमटी के ऊपर और उसको बस इसमें जो है वो ज्वाइंट कर देना है। तो आप देखिए कि इधर जो है वो काम अभी चल रहा है, देखिए बालू वालू पूरा डाला हुआ है, बालू स्टॉक में भी जो है वो रखा हुआ है, ये देखिए बालू स्टॉक में, क्योंकि सब जगह जो है ना वो जो साइड वॉल होता है उसके जरिए जो है वो बालू फिल किया जाएगा। और उसके बाद ये सब जो आप देख रहे हैं ये साइड वॉल है, ये जो आप कंक्रीट का ढाला हुआ देख रहे हैं ये साइड वॉल है, इसके जरिए बालू फिल किया जाएगा साइड में लगा लगा के। ये देखिए ये कंक्रीट वॉल है, इसके जरिए साइड में इसको खड़ा कर दिया जाता है दोनों साइड से, और बीच में फिर जो है वो बालू डाल दिया जाता है, और बालू डाल के फिर ऊपर में उसको अलकतरा से जो रोड बना दिया जाता है। तो ये देखिए इधर पूरा घर जो टूटा हुआ था, भाई साहब चाय पी रहे हैं घर टूटे हुए घर में। और देखिए बालू का स्टॉक देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, काम अभी तो नहीं चल रहा है लेकिन आई होप दोपहर में काम स्टार्ट होता होगा। देखिए साइड वॉल, इसको कहते हैं साइड वॉल, ये जो कंक्रीट का आप देख रहे हैं ढाला हुआ है ये साइड वॉल है, इस साइड वॉल के जरिए पूरा है कि ऊँचा दीवार खड़ा हो जाता है और फिर इसमें बालू फिल अंदर में किया हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि अंदर में बालू फिल किया हुआ है और ये बालू फिल करके पूरा इसको पैक कर दिया जाता है, पूरा टाइट कर दिया जाता है, और उसके बाद इसमें रोड बनाने की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद ये रोड बन के तैयार होता है, और उसके बाद इसको सामने जोड़ दिया जाएगा, और सामने जोड़ने के बाद जो है वो इधर से जाने वाले को गुमटी पार नहीं करना होगा,
इस पे से चढ़ के आराम से चल जाएंगे फ्लाई ओवर पे, GTO, कंकड़बाग, हर जगह। और देखिए पिलर विलर भी इधर बना हुआ है। तो यही कुछ अपडेट है इधर का, डॉक्टर अनिता सिन्हा लेन के साइड का। ये वाला फ्लाई ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्लाई ओवर ऑलरेडी पहले से जो है वो बना हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो का, बाय।